सोम्या जी। हां जी। नमस्ते जी। नमस्ते। अभी शांत हो जाइए आराम से थोड़ा। सोम्या जी आई हैं तो कुछ हम लोग भी बोल लेंगे क्या? बाबा हैं कि चले गए? चले गए ना, थोड़ा खाली उसी को देख। सोम्या जी के लिए कुछ बोलूं क्या? सोम्या जी के लिए कुछ बोलूं क्या? पक्का? तो अभी ऐसा है कि सोम्या जी के लिए मैं एक शेर बोलूंगा, लेकिन शुरुआत करूंगा मैं, पूरा कीजिएगा आप लोग। यही देखिए मौका है आप सबको, सबको शेर बोलना है। साहिब भाई जी इधर वाले जगह कि सो गए, शायरी बोलने में कोई नहीं रोकेगा, ठीक है? प्रशासन के लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, शायरी बोल सकते, सीटी उटी नहीं मारना, ठीक है? रेडी? सोम्या जी के लिए कहना है कि सुबह को देखा तो ताजा तरीन लग रही थी। आगे आपको बोलना है, बहुत आसान शायरी बोल रहा हूं। सुबह को देखा तो ताजा तरीन लग रही थी और दोपहर को देखा तो बड़ी हसीन लग रही थी, ठीक है? आगे का आप लोग बोलेंगे, ठीक है? सुबह को देखा तो ताजा तरीन लग रही थी, दोपहर को देखा तो बड़ी हसीन लग रही थी, और शाम को देखा तो बड़ी नमकीन लग रही थी। जियो जियो मेरे, जियो मेरे बुढ़िया, बुढ़िया गोला के शेरो। ये याद यही दिल भाई, बुढ़िया गोला के शेरो। हाँ आगे आगे बस, सबसे बढ़िया आप अच्छे से बोलना है, ध्यान से, चश्मा वाले चचा खाली सौंपने खाइएगा, बोलना भी है, बोलना है क्या? हाँ, सुबह को देखा तो ताजा तरीन लग रही थी, दोपहर को देखा तो बड़ी हसीन लग रही थी, शाम को देखा तो बड़ी नमकीन लग रही थी, और रात को देखा तो धत तेरी के बिगड़ी हुई मशीन लग रही थी। जियो जियो जियो। मैं बिगड़ी हुई मशीन लग रही हूँ? हम मैं नहीं बोल लियो, छोरा सब बोल लो, ठीक है? अगर मैं बिगड़ी हुई मशीन हूँ तो तुम भी कहाँ तगड़े लगते हो? अब अरे आप तो कैसा तगड़ा चाहिए, भैंसा चाहिए की गए? आप तो कौन सी बुलडोजर चाहिए कि जेसीबी मशीन चाहिए? अगर मैं बिगड़ी हुई मशीन हूँ तो तुम भी कहाँ तगड़े लगते हो? अगर मैं बिगड़ी हुई मशीन हूँ तो तुम भी कहाँ तगड़े लगते हो, और बिना मूछों के तो तुम भी मुंबई के हिजड़े लगते हो। पलटी मार दिया आप लोग, नहीं पलटी मार दिया तुरंत आप लोग, तो इतना जल्दी पलटी मारते हैं कि इतना जल्दी नहीं, तो वो सब पलटी नहीं मारता, वो भी कम से कम चुनाव का इंतजार करता है, चुनाव का इंतजार करता है। आप तो एक सेकंड पहले इधर थे, एक सेकंड बाद उधर आ गए। बुरा वक्त जब आता हर कोई टाल देता है, बुरा वक्त जब आता हर कोई टाल देता है, और गधे पे बैठो तो वो भी उछाल देता है। बुरा वक्त जब आता हर कोई टाल देता है, और गधे पे बैठो तो वो भी उछाल देता है, और ऐसी जवान लड़की के चक्कर में तो आदमी अपने बूढ़े बाप तक को घर से निकाल देता है। तो आपने अपनी पार्टी बदली तो कौन सा बुरा किया भाई, ये तो जवानी का सब चक्कर है, है? जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, और बर्बाद हुए हैं लड़की के चक्कर में, और कहते हैं कि मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। और तुम क्या बोलती है, हम लगते हैं बिना मूछों के बंबई के हिजड़े, हिजड़े लगते हैं ना। अच्छा एक चीज बताओ, क्या कि हम दोनों के झगड़े में नुकसान किसका है? किसका है हम दोनों के झगड़े में नुकसान किसका है? और अगर हम लगते हैं बंबई के हिजड़े तो घरवा में दुदू को संतान किसका है?
सच बता दूं? सच बताओ। सच बता दूंगी तो भूचाल आ जाएगा। लान भूचाल वर्गा बहुत दिन से धरती हिलो नहीं छे। वहां नेपाल में जखनी हिलल रहे 5-7 साल पहले ओकर बाद हिले नहीं छे। हिलो है महिंदर भैया का हिलो तब तोरा मानबो। बता हिलो दिल थाम के, क्योंकि सच बोलने से अक्सर भूचाल आता है। ठीक। क्योंकि सच बोलने से अक्सर भूचाल आ जाता है, और जब तुम होते हो घर के बाहर, तुम्हारे घर की दुकान कोई और चलाता है। महेंद्र भैया महेंद्र भैया, अच्छा एक बात है, मेरे घर की दुकान कोई और चलाता है। अच्छा एक चीज बताओ, ये तो तुमने मेरी मर्दानगी को चैलेंज करने कर दिया। जी सुन लो क्या बोलती है, मेरे घर की दुकान कोई और चलाता है। मेरी मर्दानगी को चैलेंज करने वाली सौम्या, अभी तुमने मेरा पावर नहीं देखा। दिखा दीजिए। मेरी मर्दानगी को चैलेंज करने वाली सौम्या, अभी तुमने मेरा पावर नहीं देखा। और मेरी लंबाई चौड़ाई पे मत जाओ, अभी तुमने रिलायंस जियो का टावर नहीं देखा। एक बात बोलूं? हाँ बोल बोल ना के। अच्छा राधा देवी सरपंच जी की तरफ से आइए ना, आपको खुद देना चाहिए। आई और रखिए क्या, आपकी पार्टी हार रही है उसको भी दे दीजिए। आए ताली बजा भाव भाव। सरपंच साहिबा आपकी पार्टी हार रही है और है क्या, यही दे दीजिए। आपको लगता है आपकी हार जाएगी? आप साड़ी हमको दे दिया है, धोती उसको देने जा रही है। साड़ी साड़ी है क्या है? अच्छा धोती है, ओके। नहीं आप दीजिए ना उनको, उन्हीं को दीजिए। इस साड़ी धोती दोनों में चलेगा, जिसको जब मन करेगा। सुन रहे बेबी, दिन को हम पहनने रात को तुम पहन लेना। अच्छा दूगर है आप भी ना सरपंच साहिबा, उनको नहीं लाए क्या राजकुमार जी को? अंदर में सोए हुए हैं ये, अंदर में कहे सोए हुए हैं, बाहर सुलाते हैं। आज 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 प्रोग्राम है सौम्या का, तो बाहर सो जाओ, ऐसा नहीं बोले। आई देखिए क्या क्या बोल रहे हैं मेरे लिए, आइए बैठिए आप। जोरदार तालियां सरपंच साहब के लिए एक बार जोरदार। और कुछ लाए वो भी बोहनी कर दीजिए। हाँ देखिए भूल से लेके जा रही थी आप, हम ही लोग के लिए लाए थे ना कि अच्छा तो हमको दे दीजिए इबला साड़ी, हम उसको दे दिए थी। अच्छा अच्छा इसमें दोनों को मिला है ना, तो तुम भी इसमें आधा ले लो। एक बार जोरदार ताली इनके लिए सरपंच साहब के लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठिए आपकी पार्टी हार रही है। आपकी पार्टी हार रही है सरपंच साहिबा। क्या बोले थे? क्या चीज बोले थे? हम तो कुछ नहीं बोले थे, सब भुला। बोले थे कि मेरी मर्दानगी को चैलेंज करने वाली सौम्या, अभी तुमने मेरा पावर नहीं देखा। मेरी मर्दानगी को चैलेंज करने वाली सौम्या, अभी तुमने छोरा का पैसा नहीं देखा। अभी रुक, नाम बाद में लेंगे, अभी इसको रख लेते हैं। तक अभी अभी वो सारी चल रहा है, सारी चल रहा है। मैंने कहा कि मेरी मर्दानगी को चैलेंज करने वाली सौम्या, अभी तुमने मेरा पावर नहीं देखा। और मेरी लंबाई चौड़ाई पे मत जाओ, क्योंकि अभी तुमने रिलायंस जियो का टावर नहीं देखा। प्यार से अगर बतियाओगे तो जीवन सवार दूंगी, प्यार से अगर बतियाओगे। आई लाइन प्यार मोहब्बत पर आने गल लाइन पर सुनिए तो सुनाओ ना। प्यार से अगर बतियाओगे तो जीवन सवार दूंगी। वाह
प्यार से अगर बतियाओगे तो जीवन सवार दूंगी, आंखें दिखाए तो माँ कसम टावर उखाड़ दूंगी। इधर आओ, तुम तुम्हारा सब हम कैरेक्टर जानते हैं, टावर उखाड़ने वाली। महफिल में बैठे लड़कों से आंखें लड़ाना छोड़ दो, महफिल में बैठे लड़कों से आंखें लड़ाना छोड़ दो, और छिप छिप के पड़ोसियों को घर में बुलाना छोड़ दो। या तो छैला तुम मुझको मेरे हाल पे छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे, तोरा छोड़बो ने तो तुम जहां तहां जे भय मुंह मारे ले। तोरा हम बुझे छियो ट्यूशन पढ़े के नाम पर तुम की कर भय। हो ठोको ताली, ठोको ताली। हां सब अभी हमरा पार्टी में छो। हां अच्छी बात है, को तोरा पार्टी में नहीं छो, खाली महेंद्र भैया छो तोरा पार्टी में। या तो छैला तुम मुझको मेरे हाल पे छोड़ दो। बहुत सही जा रही है बेटा। या तो छैला तुम मुझको मेरे हाल पे छोड़ दो, या देखे जो मुझे कोई और तो तुम उसका सर फोड़ दो। तोरा तो सबसे पीछे महेंद्र भैया देखे छो। हां आप की करिए बोलता क्या कर आई छोरा देखे छो, तोरा देखे छ क्या कर क्या कर सर फोड़बे भीगे तोय लड़ाई करवावे छ। ए सब पोल्टी सब पूछे छे, पैसा नहीं फेंके सर में लग जाएगा तो बहुत कोमल छे। हां हां पैसा नहीं, नोट फेंकना खाली नोट। पसैया और क्या भगवान है ऐसा किए हैं कि एको को 2000 का दर्शन नहीं हुआ। मुखिया जी भी चले गए और राम कृपाल जी भी चले गए, खाली को महेंद्र भैया बचे हैं। अब देखिए क्या होता है, दर्शन ही नहीं हुआ उसका 2000 का। क्या बोल रहे थे? हाँ सुनो, तुम झगड़ा करवा रही है, हमारा भाई भाई में लड़वा रही है। एक चीज बताओ, मेरे चाहने वालों को हमसे अलग करवाती हो, मेरे चाहने वालों का हमसे झगड़ा करवाती हो, और तुम भाई को भाई से लड़वाती हो। कौन लड़ने वाला इधर? तिरछी निगाहों से क्यों झांकते हो तुम? महेंद्र भैया चौराहा बोले छो, महेंद्र भैया तिरछी निगाहों से क्यों झांकते हो? उन्ने बोले, उन्ने बोले भैया को नहीं बोल सकते। भैया को तो क्या करा बोल मैं? ई ई ई छोरा टोपी वाला का, दाढ़ी वाला का, दाढ़ी वाला का। हाँ दाढ़ी वाला भी मेरा भैया। चश्मा वाला का? वो तो मेरे चाचा हैं। रिश्तेदारी भज पे लल्ले यहाँ की राहे। हाँ उन्ने उन्ने देख लिया। तिरछी निगाहों से क्यों झांकते हो तुम? तभी से मैं देख रही थी। तिरछी निगाहों से क्यों झांकते हो तुम? कुछ ना होगा तुमसे, खाली हांकते हो तुम।